बीमारियां शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, और आधुनिक जनजीवन में, आधुनिक जीवन शैली में जो बीमारी सबसे घातक बनकर उभरी है वो है डायबिटीज़ की बीमारी। बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और अधिक उम्र के अधेड़ ही नहीं बल्कि कम उम्र के बच्चे भी आजकल डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी के निपटारे को लेकर एक पहल होती दिख रही है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइफस्टाइल पूरी तरह खराब हो गया है। ऐसे में बहुत सारी बीमारियां शरीर में जन्म ले रही हैं। उन्हीं में से एक है डायबिटीज, जिसे मधुमेह या आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी तेजी से अपना शिकार बना रही है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करना किसी भी डॉक्टर के लिए आसान नहीं है, लेकिन मुंबई के जाने माने डॉक्टर एस कुमार ने रांची में अपना क्लिनिक खोलकर एक साल में अपने इलाज से डायबिटीज को खत्म कर रहे हैं। एक साल का समय लगता है और पेशेंट को हर 15 दिन में हमारे पास रिपोर्ट के साथ ही आना है। पहला रिपोर्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारी 6 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा और फास्टिंग सिरप, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मिल शुगर, HbA1c, इसको हर 15 दिन में हम लोग मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि, जैसे मैंने बताया कि भाई डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो कंडीशन है। कंडीशन को आप कैसे सुधारते हैं, उसका ऑब्स्ट्रक्शन निकाल के। अगर हमने शुगर अंदर अगर यूटिलाइज होना चालू हो गई तो शुगर तो अपने आप खत्म हो जाएगी। बता दें कि डॉक्टर एस कुमार के एक डायबिटीज पेशेंट ने बताया कि मेरा डायबिटीज काफी हाई लेवल पर था और मुझे इंसुलिन लेना पड़ता था, लेकिन जब मुझे डायबिटीज था तो मैं बहुत जल्दी थक भी जाता था और सीढ़ियों पर नहीं चल पाता था, लेकिन जब मैंने डॉक्टर एस कुमार से डायबिटीज का इलाज करवाया तो अब 1 सालों में डायबिटीज मेरा पूरा कंट्रोल ही नहीं बल्कि जड़ से खत्म हो चुका है। जब पता चला डॉक्टर एस कुमार बम्बई में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो मैं बम्बई में ही तुरंत संपर्क किया और मैं 6 जून 2019 को इनको दिखाया। इसके बाद इनके द्वारा बताए खान पान को मैं दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया और इनकी दवाइयाँ ली, मेरा इंसुलिन छूट गया, दवाइयाँ कम हो गई। मात्र अभी 500 mg का मेटफॉर्मिन मैं 1 बार खाता हूँ, वो भी मेरा कम हो जाएगा। मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा टूर बहुत होता है इसलिए, और पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। वहीं BIT मिश्रा की रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर शिखा गुप्ता ने बताया कि डायबिटीज कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हर बीमारियों का इलाज है। ऐसे में शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाने पर इंसुलिन लेने से और भी कई सारी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम हमारी इलाज डायबिटीज की प्रत्येक महीने में पद्धतिवार तरीके से की जाती है, जिससे कि मरीज का जड़ से डायबिटीज खत्म हो जाता है। काफ़ी रिसर्च करके खोजा है कि बहुत सारे हम जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है वो एक्चुअली डायबिटीज़ होते नहीं है, उनका बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में शुगर इंसुलिन जनरेट होता है, लेकिन वो इंसुलिन सेलुलर लेवल पे रेजिस्टेंस पैदा कर देता है जिसकी वजह से शुगर डाइजेस्ट नहीं होता और ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग कुछ डाइट में उनका चेंजेस कराते हैं और कुछ एक्टिवेटर्स देते हैं जो कि सेल्स के कुछ प्रोटीन्स को चेंज करते हैं, प्रोटीन जो डैमेज हो चुके हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन जो है शुगर को डाइजेस्ट करने लग जाता है। बहरहाल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी सेहत के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान दें ताकि आने वाले समय में हम बीमारी से दूर रहें और स्वस्थ रहें। ओंकार आवामी के लिए रांची से कौशल कुमार की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, इस तरह की गंभीर बीमारियां आजकल बच्चों में भी आम हो गई है। डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हालात इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि अब इलाज नहीं, अब बचाव का उपाय ज्यादा प्रभावी लगता है। देखिए दीपक, इसमें टेक्निकल बात यह है कि अब ज्यादातर लोग फ्लैट में शिफ्ट कर गए हैं जी। बच्चों की जहां तक बातचीत है तो हम अपना बचपन याद करें तो कबड्डी, चिक्का, बुढ़िया कबड्डी, गिल्ली डंडा, ये सब खेल हुआ करता था जो मिट्टी से जुड़ा हुआ होता था। अब के जमाने में बच्चे लैपटॉप और मोबाइल पर खेलते हैं, शारीरिक मेहनत होता नहीं है, खाना भी जो खा रहे हैं सब हाइब्रिड है, जंक फूड खाते हैं बच्चे ज्यादा,
शारीरिक मेहनत कम हुआ तो ये बीमारियां फैल गई। अब रही बात बड़ों की, तो बड़े भी तो हाइब्रिड भोजन कर रहे हैं, तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, शारीरिक मेहनत उनका भी बहुत कम हो गया है, चाहे जो लोग हों। यह बीमारी, एक बार की बात बताऊं कि रामदेव बाबा से मुलाकात हुई थी तो उनसे बताया गया कि ये बीमारी क्या है, उन्होंने कहा सुखरोग है। मतलब कि शरीर को जो मेहनत नहीं करते हैं, जो मेहनत से इसको तैयार नहीं करते हैं, उनको ये बीमारी पकड़ती ही है। इसके दो ही कारण है दीपक, एक शारीरिक मेहनत का ना होना, दूसरा हाइब्रिड भोजन का ग्रहण करना। लेकिन अब ये दोनों हट नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों के पास समय कम है, लेकिन सावधानियां हैं। शरीर पर अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर आधा घंटा समय देता है तो ये शुगर नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ चिकित्सक मित्रों से इस शुगर पर बातचीत होती है तो वो लोग सीधे बोलते हैं ये कि जिसको शुगर होता है उनकी आयु बढ़ जाती है। कारण है कि वो सावधान हो जाते हैं, ज्यादातर लोग सावधान हो जाते हैं और वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। इसके अलावा जो फुल बॉडी चेकअप होता है वो भी 6 माह पर कराना चालू करते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन इस पर सरकार के साथ साथ व्यक्ति को स्वयं पर ध्यान देने का जरूरत है और कम से कम आधा घंटा सारा समय निकालकर अपने शरीर पर ध्यान देने का है। मतलब अभ्यास करने का है, कसरत करने का है, एक्सरसाइज करने का है, तभी इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय समाज जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विनोद अपनी जगह है लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बीमारियों से बच के रहें, और अगर बीमारियां हो भी गई तो विशेषज्ञ चिकित्सकों से जरूर सलाह लें, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान, झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में अगर आप पड़े तो आपकी सेहत दुरुस्त होने के बजाय और भी बदहाली में चली जाएगी।